जेएनयू परिसर में रविवार रात हिंसा के बाद देश भर के छात्रों में आक्रोश है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्या विवाद है जिसकी वजह से रविवार को यूनिवर्सिटी में हिंसा का तांडव हुआ। दरअसल इस विवाद की रूपरेखा पिछले कई दिनों से तैयार हो रही थी। कई दिनों से लेफ्ट और एबीवीपी के संगठन आमने सामने थे। आपको बता दें कि जेएनयू में 1 जनवरी से विंटर सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन जारी था, लेकिन फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्र रजिस्ट्रेशन से रोक रहे थे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 जनवरी थी। लेफ्ट समर्थक छात्रों ने जबरदस्ती कंप्यूटर सर्वर बंद करा दिए 3 जनवरी 2020 को। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए यह सर्वर बंद करवाया गया था। रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे छात्रों ने कई विभागों में ताला लगा दिया था। 4 जनवरी को स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का ताला खुलवाया गया। रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हुआ। 4 जनवरी तक 1500 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। आपको बता दें कि 5 जनवरी तक 8000 छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना था। दोपहर 3 बजे लेफ्ट समर्थक छात्रों ने फिर सर्वर बंद करने की कोशिश की। सर्वर बंद करने की कोशिश के बाद 2 छात्र गुटों के बीच झड़प हुई। दोनों छात्र गुटों की तरफ से रविवार सुबह 10 बजे छात्रों को इकट्ठा होने को कहा गया। रविवार शाम 5 जनवरी को छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और तोड़फोड़ हुई। रविवार 4:30 बजे रजिस्ट्रेशन का विरोध कर रहे आंदोलनकारी छात्र हॉस्टल पहुंचे। आंदोलन कर रहे छात्रों ने उन छात्रों की पिटाई की जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते थे। कुछ देर बाद नकाबपोशों ने कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की। नकाबपोश हमलावरों ने छात्र छात्राओं की पिटाई की। नकाबपोश डंडे, हॉकी और लोहे के रॉड से लैस थे। छात्रों, हॉस्टल और गाड़ियों पर डंडे और पत्थर से हमला किया गया। कैंपस में नकाबपोशों ने करीब 2 घंटे तक हंगामा किया। जेएनयू के घायल छात्रों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। जेएनयू के करीब 25 छात्र हिंसा में घायल हुए और घायल 19 छात्र और 1 टीचर का एम्स में इलाज चल रहा है। हमले में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष भी घायल हुई। लेफ्ट समर्थक छात्रों ने एबीवीपी पर हमले का आरोप लगाया और एबीवीपी ने लेफ्ट छात्र संगठनों पर हमले का आरोप लगाया। गृह मंत्रालय ने जेएनयू की हिंसा की जांच के आदेश दिए। एचआरडी मंत्रालय ने जेएनयू वाइस चांसलर से रिपोर्ट मांगी। जेएनयू प्रशासन ने हिंसा की निंदा की है और शांति की अपील की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए V4 Innovative को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।